एरिये दे दे, 10 साल तक मेहनत कर रहा हूँ। एरिये पे कहा गया, कहा कि 10 साल तक टिकट के लिए मांग रहा हूँ। जब वही दो ठाड़े हैं उनमें आप एक का नाम है तो जीते हैं। ये किशन पाल पैसा कहा सारा सब टूट टूट के दूसरे दिए, वो आपको सपोर्ट करो। दादी हमारे पारागावन को प्रपोजल पर भी कितना दी टिकट? बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो ना? कर रहे ना, हम ना कर रहे, हमारे टिकट ना कैंसिल करेंगे। और कोई बनेगा? ये तो टाइम बता दो, अभी कोई इलेक्शन थोड़ी चल रहा है, अभी तो वैसे ही तुम रिहर्सल कर रहे हो। चुनावी यात्रा से चुनावी यात्रा पहुंची है मेंढकोला, यहां लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरह का जो चुनावी रुझान सामने आ रहा है, किस तरह का किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सा प्रत्याशी उनको अच्छा लग रहा है, किसको वोट देने का मन बनाकर बैठे हैं। क्या नाम है जी आपको? हरिचंद जी, विधानसभा चुनाव चल रहा है, किसको क्या पलड़ा भाई? हमें टिकट नदी भाई चौधरी नाम का बता। मैं तो किसे ना दी टिकट? परवीन ने टिकट दिया है। ठीक है, मैं दी तो ना, फिर हम कहा वोटा बता तो मैं परवीन में क्या कमी, सबसे ज्यादा बजा टिकट दे दिया ने ना कर। किसने दे दी? किशन पाल ने पैसा कहा सारा सब दिखाया टूट टूट के विधायक टिकट दूसरे दिए, वो आपको सपोर्ट करो। दादी हमारे पारागावन को प्रपोजल पर भी कितना दी टिकट? बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो ना? कर रहे ना, हम ना कर रहे। कृष्ण पाल को तो विधायक प्यारो आदमी हो, प्यारो आदमी हो, जो टिकट ना दी प्यारो आदमी। भैया सुन मेरी बात, ना तो हम कहीं सपोर्ट कर रहे, ना कहीं सपोर्ट कर रहे। हमारे विधायक की टिकट काट दी, हमारा सारा लगा। हम ना विधायक विरोध का एक ना करो, जब टिकट ना दी। हम विरोध कर रहे विधायक ही, हम भी हमारा विधायक हो तो हम भी विधायक, हम भी तो विधायक ही है जो हमारा विधायक हो तो। फिर और क्या करें? फिर मेंढकोला गांव की सरदारी कहाँ चाह रही है? हम ये चाह रही है कति वोट ना गिरे काई की भी ना, हम नगर गए। ये बात तो जिसे टिकट दी है वहां में वजन ना है, आप समझे नहीं। एक वजन उसमें जब बनेगा, जब ये लोग जुड़ेंगे और जो वजन देंगे उसको, सुनो एक पाल पर किसी को वजन नहीं है, जब पाल इकट्ठे होंगे जब उनमें वजन बन जाएगा। क्यों जी? सही बात। हाँ, ये बात। जहाँ हम पुराने जो विधायक हैं उनको सपोर्ट भी है, किसी पुराने विधायक किसी वोट तो बीजेपी को जाएगी। अरे कोई नाराजगी ना, नाराजगी तो खूब है, पर उसे रहना तो उसी में सरकार में। हाँ नहीं, नाराजगी तो सबको बन रही है, बार काम बन रही है नाराजगी। पंजी विधानसभा को मेंढकोला सरदारी क्या करेगी? विधानसभा चुनाव भैया मेंढकोला सरदारी वो करेगी। अभी 4-3 पायल खड़ी है, 3 अपने एक वह कहा जा, जब कोई डिसीजन देंगे बात पहले, कोई डिसीजन न हो गाई एक समर्थन कैसे कर देंगे। हमारे विधायक अभी तो 3 पायल ने वोट दिए दादा ना, ऐसे ही रावत पाल किसी है सपोर्ट कर रही है, सहरावत पाल किसी है सपोर्ट कर रही है। अब रावत में थे खड़े दो, एक सहरावत में थे, एक तेवतिया में थे, जब हमारा परवीन बने हो तो उन कोई पायलन ने संग न दिए, पूरी वोट दिए। अब एकाएक न्यूर कैसे काई सपोर्ट कर दे, तो पाल भी प्रत्याशी के अलग अलग बिखर जाएगी, फिर तो और कोई बनेगा। ये तो टाइम बता दो, अभी कोई इलेक्शन थोड़ी चल रहा है, अभी तो वैसे ही तुम रिहर्सल कर रहे हो। डिसीजन नहीं है, डिसीजन नो, अभी कोई कायते नो बंद रहो। यो तो अपने मेल जोल सबके अपने हैं, सब जाए चुप बैठे। पार्टी वोट दोगे या फिर आदमी देख के वोट? क्या नाम है जी? किसे वोट दे रहे हो? वोट किसे दे रहे हो? वोट बात देंगे मोदी है। मोदी है? हाँ। कैसे? बहुत बढ़िया आदमी, बढ़िया काम कर रहा हूँ। बढ़िया काम कर रहा हूँ। तो कांग्रेस ना दोगे? ना। क्यों? नाम ना, ना मत लेवा। क्यों ना? का कर दियो कांग्रेस ने? सब खा गो, खा गो, सब खा गो। क्या खा गो? जनता खा गो, खा गो। पेंशन भी तो मिल रही है? हाँ मिल रही है। कितनी? 3,000। 3,000? हाँ। कांग्रेस कह रही ज्यादा दे देंगे? ना दे, ना दे, बकवास है, बकवास। हाँ तीन की 6 कर देंगे? ना कर रहा हूँ ना करवाने। ना वो कह रहे हर घर में जितनी भी औरतें हैं महिलाएं उन्हें 2,000 भी देंगे। भाई मैं ना कर रहा हूँ कुछ भी, राशन भी डबल देंगे। मिल रहा हूँ राशन डबल देंगे, डबल। अब बीपीएल में? हाँ। बीपीएल में मिल रहा हूँ। 15 किलो कितना मिल रहा? 7 धड़ी। तो अब 14 धड़ी मिलेगा ना? क्या नाम है जी? सलीम है। सलीम भाई किसको वोट दे रहे हो? हम तो जी कांग्रेस के देंगे। क्यों? ये तो कह रहे हैं कि भाई देश से खागी कांग्रेस। अब ऐसा तो हम पे बोलते ना, आज ऐसे बोलिए भाई ठीक है, अपनी समझ, वोट अपनी वोट कहीं भी दे सके।
कांग्रेस देने के पीछे कोई तो कारण होगा भाई? ये अपनी आजाद वोट है, किसी के लिए दे सकते हैं, कांग्रेस के लिए। भाई किसे वोट दे रहे हो? आपके किसे वोट दे रहे हो भाई? हमने कोई पता नहीं था, आप मर रहे पेंशन लेने आये हो क्या? पेंशन लेने आये हो? अच्छा, तो बीजेपी दे हो, कांग्रेस दे हो, किसे दे हो? कांग्रेस की देंगे। तो कांग्रेस की क्या नाम है आपका? सतपाल जी, मिंडकोला की सरदारी क्या चाह रही है इस बार विधानसभा चुनाव में? अपनी तो बता दे, अपनी तो बता दे। हम आज हम बीजेपी दे देंगे वोट। हम बीजेपी की क्यों? हमारा गांव में बीजेपी को, हम बीजेपी देंगे। बीजेपी ने टिकट तो काट दी गांव की। अब पार्टी कोई नहीं थोड़ी है, पार्टी की टिकट कट गई और भी थोड़ी। अच्छो काम करे हो विधायक ने तो टिकट क्यों काटी? केरी दे दे बेचारे, केरी दे दे, 10 साल तो मेहनत कर रहा हूँ। केरी पर कहा गया, कहा केरी 10 साल तक टिकट के लिए मांग रहा हूँ। जब वही दो ठाड़े हैं उनमें एक का नाम है तो जीते हैं। ये सहरातन दे दो, देंगे खाई ना खाई देंगे। क्या नाम है जी? मेरा नाम सुमेर है। सुमेर जी, क्या मिंडकोला की सरदारी क्या चाह रही है विधानसभा? मिंडकोला की सरदारी पहली बात तो नाराज है। नाराज है? हाँ, टिकट कटने की वजह से बीजेपी से। नहीं, मतलब टिकट जो बीजेपी ने काटी है इस वजह से। उनका विधायक तो शरीफ आदमी था, कोई ऐब नहीं था, उसने काम अच्छे किए, हल्का में बहुत अच्छे काम किए। फिर भी उसकी टिकट काटने के बावजूद अब ये सरदारी तो यही चाहती है भाई, जहाँ परवीन कहेगा वहीं वोट दी जाए, ताकि इसका हौसला बढ़े परवीन डागर का। बस उसके साथ अभी सरदारी या बारह गांव उसके साथ है, तो उसका हौसला तभी बजाई होगा ना जब उसको हम साथ देंगे। जहाँ वो कहेगा वहीं तो वोट देनी चाहिए हमें। आपने कही भाई काम भी अच्छे करे, आदमी भी शरीफ है, ईमानदार है, फिर आखिर टिकट क्यों कटी? देखो टिकट सरकार का मैसर क्या होता है, इसमें खींचातानी होती है। जिसके जो मंत्रिमंडल बैठे हैं, जिनके दबाव प्रेशर अच्छा मंत्रिमंडल में, उसने अपने उनको दे दी टिकट, वो कटवा दे टिकट को। जनता का भी सम्मान जरूरी है। सम्मान है, उसमें खट्टर साहब ने बोला था सांसद में कि परवीन जैसा विधायक कोई नहीं हल्का। उन्होंने सराहना की थी प्राण है उसकी, परवीन डागर साहब की। लेकिन जो और ऊपर बैठे मंत्री, वो अपने अपना भरते पैसा, चीज में पैसा दे दो टिकट कट जाएगी। क्या दिक्कत? खरीद फरोख्त में विधायक के पास कोई पैसा में कमी क्या? पैसे कमी क्या? जो विधायक ने आज तक ना रिश्वत ली ना दी, उसने तो अपना सराफत से काम किया। उसने पिताजी ने भी जो रामलीला डागर साहब ने ये सराफत से काम किया था, तो आज का भाई साहब जानते सराफत का इलाज कहाँ है। हाँ जी, क्या नाम है? जगबीर जी। जगबीर जी, विधायक के टिकट काट दिया आपके की? ये गलत करे हो? गलत करे हो? तो आप क्या गलत करोगे? अब गलत क्या करेंगे हम? जो हम भैया बाबू जी किंगे होंगे, ऐसा विधायक पहले मिलो? ना जी, ना मिल जाएंगे ना। काम करे वैसे आप हल्के? काम करे जी, खूब करे हैं ने, और कर भी रहे बेचारा। जैसे आप बन रही अब वह टिकट कट गई तो हम तो जाके गए लिए, जैसे यू के को वैसे करेंगे। तो कारण भी तो होगा कोई टिकट काटने का? अब यह चीज की देखो जी, सरकार है पता, सरकार बता सके कैसे काटी, काय को पर काटी है। तीनों विधायक साफ कर दिए हल्के। हाँ, गलत करे हो, होना चाहिए एक आदमी, एक बार मौका मिल गया एक बार और देते तो इनने भी जो होती कि बलवा एक बार में नौकरी दूसरे में या काम कर दी। केहर सिंह भी आए हो आपके पास वोट मांगे? अजी सब वोट मांग रहे हैं, तो अब केहर सिंह भी आवेगा, धर्मेंद्र भी आवेगा और भी आएंगे। ये तो वोट मांगने का हक है, तो मांग सके वोट आएंगे कहने का। और सबसे की भी जाएगी वहां आपने देंगे, बाकी हमारी जो इच्छा हो देंगे। फिर कांग्रेस को भी सिस्टम बैठे हुए? अभी तो कांग्रेस वाले कोई आए नो है, अभी तो कोई वोट मांगने ही नो आए। और फिर वे तो वैसे भी पाकिस्तान में आरोप लगा रही है। हाँ, बताओ कैसे बात बात बनेगी? वोट तो पहले ही लग गया रहो, वहाँ फोन में दिखा रहे जी हमें तो। अब जो पता ना झूठे का सोच है, पाकिस्तान का आप जरूर लग रहो लाइव डाल रहा थी। हतीन में अब की बार भाई कई कैंडिडेट खड़े हो गए, कई नेता खड़े हो गए, तो क्या लगा है कि सीट निकल जाएगी बीजेपी की या फिर कांग्रेस ले जाएगी? अभी टक्कर चल रही है जी, अभी कोई ना, जब नजदीक सुना आ जाएगा जब ही अंदाज लगेगा। अभी तो नहीं, ढगलाबाजी बह रही है, कभी काय को जोर ज्यादा भेजा, कभी काय को जोर ज्यादा भेजा। हाँ। अभी तो पंचायत प्लस बीजेपी क्या कह रहे आप? इनेलो प्लस बीजेपी टक्कर रहेगी। अच्छा, इनेलो की और बीजेपी की जिम से कटाई है और चरम लग जाओ। अच्छा, बाकी सारे तो वैसे ही फाइट कर रहे हैं। फाइट तो अपने तो सब जो वोट दिखा रहे भाई, इतनी वोट में ले लिए थे कैंडिडेट, तो वो बने रहे। जीत के लिए तो सभी कह रहे हैं दोनों। क्या नाम है जी? मेरा नाम बलराज है। बलराज
मनराज जी आप बताओ, आप क्या लग रहा हो कि भाई किसमें जोर है, कौन हल्को है? यहाँ तो भाई बीजेपी का ज्यादा जोर है, बीजेपी का ही जोर है यहाँ पर। बीजेपी वाले बढ़िया काम करवाए, बढ़िया काम करे उसने नहीं, अरे भाई सीधा लौंडा है या कोई भी ना, अरे बढ़िया काम करवाए बेचारे ने। जो बात है सीधे लौंडा की क्यों टिकट काट दी, हल्के दर्द है ये तो भाई, ऊपर ले जाना देखा, हमें पता नहीं इस बात की कैसे काटी क्यों ना काटी, पर इसने काम बढ़िया करवाए बेचारे ने। हाँ बढ़िया लड़का है बिल्कुल, अरे यहाँ तो इसकी सबसे ज्यादा इसकी वोट है, यहाँ बीजेपी की वोट है सीधे की कटे जब कटे वोट। तो यहाँ योगी जी भी आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि भाई योगी जी भी हकीम हल्के में रोड शो करेंगे, फर्क पड़ेगा फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा योगी से नहीं। बीजेपी के जो मनोज रावत है आजमा के देखे हो कभी? भाई हमने तो नहीं देखा, देखिए क्षेत्र में आया नहीं, यहाँ आया नहीं अभी तो मनोज रावत नहीं, या तो परवीन को ही ज्यादा है अभी तो फिलहाल। आपने बीजेपी कैंडिडेट को चेहरा भी नहीं देखा अब तक? और फिर भी वोट गिर रहे हो बीजेपी? परवीन डागर साहब, देखो हम तो पार्टी को ही वोट दे रहे हैं और अपने जो जो विधायक है उसके लिए ज्यादा जरूर कर रहे हैं हम। यानी प्रत्याशी कैसा भी हो, चेहरा कैसा भी हो, व्यक्तित्व कैसा भी हो, कोई मतलब नहीं, चेहरे कमल को वोट, बीजेपी को वोट। क्या नाम है जी? वीर सिंह। वीर सिंह जी आप किसे दे रहे हो? यहाँ तो बीजेपी बीजेपी कर रहे हैं। हम तो बीजेपी की कह रहे हैं। आप भी बीजेपी कह रहे हो? कोई हो चाहे हमारे लेके, यहाँ तो कोई मतलब ना हो। पेंशन मिल रही है आप? भाई की पेंशन बुढ़ापे की उम्र उम्र ना हुई है अभी ना हुई भाई। अच्छा तो वैसे घर में तो काहे मिल रही होगी पेंशन? ना काहे ना, काहे ना मिल रही, पिताजी और माँ गुजर गए दोनों, तो हमारी चाची तो होगी जब हमारी बराबर की मरवान की चाची तो होगी। हाँ तो चाची अभी 2000 रुपया देने कह रही है कांग्रेस हर महीना, कांग्रेस दे 50,000 यह बात तो कोई मतलब ना, हम तो बीजेपी की देंगे। पेंशन भी 6,000 मिलेगी? अरे 1 रुपया भी ना मिले पेंशन का भरोसा ना, भगवान भुते रोजा रो। हाँ और बताओ, राशन भी दुगना हो जाएगा, प्लाट मिल जाएगा, सौ ना मिलेगा प्लॉट भी ना मिले, कोई जी ना मिले, और बताओ रचना चाहिए। जिम्मेदारी ने कोई पूछे ही ना, जिम्मेदार कौन पूछे है? कांग्रेस कह रही है ना आपके पूछेंगे, कांग्रेस ने यूपी में पूछे देख ले। आपसे आपने कहा प्लॉटों के लिए प्लाट है जो होती है हमारी कमेटी के हमारे तो रखवो और हमें बांटी जा रही, खरीद के सरकार दे प्लॉट जब तो हम दिमाग, ये बात तो आप भी मानते हो, आपका रब का जिम्मेदार बेटी बेटा हुआ, आपका रब का पड़ा है जैसे कमेटी के अंदर है उसी में से प्लॉट कटती है, सरकार पहले खरीदे उसको जब दे, जब पता लगे एक बार हाँ सरकार प्लॉट दी नहीं, सरकार के पास तो सब चीज जनता की है ना, राशन भी पैसा भी टैक्स को ही हमारे टैक्स को ना सारा पैसा हमारे जेब से। पर प्लॉटर की बात आई, परली तरफ रोहतक साइड प्लॉट काटी थी, केस डाल दिया तो फारी ना हुई केस, पहले सरकार पैसा दे उसका जमीन का उसके बाद प्लॉट बांटे, जब वोट की बात करेंगे। हाँ जब वोट की बात, जब तो मजा आ जाए। तो ये थे हमारे साथ मिंटकोला गांव के कुछ मतदाता जिन्होंने बताया कि यहाँ से केवल बीजेपी कैंडिडेट को वोट दी जाएगी क्योंकि यहाँ से पूर्व में जो विधायक रहे हैं उनकी टिकट काट दी गई थी जिसको लेकर इनके अंदर रोष व्याप्त है। इन्होंने कहा कि जो पूर्व विधायक हैं केवल उन्हीं के कहने पर यहाँ से मतदाता अपने मत का प्रयोग करेगा। कुछ समय अंतराल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।